तो दोस्तों वर्तमान में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में से एक है। उनकी फिल्म धाकड़ के अनाउंसमेंट के बाद से ही फैंस उनकी फिल्म के लिए एक्साइटमेंट हो रहे हैं। फिल्म में कंगना रनावत के साथ अर्जुन रामपाल भी नजर आएंगे। धाकड़ को रजनीश रज्जिघई ने निर्देशित किया है। फिल्म धाकड़ को दीपित मुकट सुहेल मकई ने प्रोड्यूस किया है। हुनर मुकट उसके को प्रोड्यूसर है। धाकड़ 27 मई 2022 को रिलीज होगी। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से फिल्म धाकड़ की एक फोटो अपलोड की है जिसमें बताया है कि फिल्म 27 मई 2022 को 4 भाषाओं में रिलीज होगी। एक्ट्रेस फिल्म के सेट से तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करती रही है जिससे फिल्म को लेकर फैंस की दिलचस्पी बढ़ती गई। ये फिल्म पहले अप्रैल में रिलीज होनी थी लेकिन मेकर्स ने देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की वजह से रिलीज को टाल दिया। फोटो में कंगना रनावत के हाथ में बंदूक के साथ साथ काले रंग की ड्रेस पहने हुए देख सकती है। वह युद्ध के मैदान में एक्शन रोल में दिख रही है। फिल्म 4 भाषाओं हिंदी तमिल तेलुगु और मलयालम में रिलीज होगी। फिल्म थालेवी की बॉक्स ऑफिस में सफलता के बाद ये कंगना रनावत की दूसरी बड़ी फिल्म होगी। कंगना रनावत ने कहा कि फिल्म को एक तय पैमाने पर बनाया जाना था जिसे मेकर्स के बड़े विजन को मैच करना था। भारत में इस लेवल की फीमेल एक्शन मूवी कभी नहीं बनी। इसकी कहानी बेहतरीन है, इसे ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुँचनी चाहिए और मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि धाकड़ कई भाषाओं में रिलीज होगी। कंगना रनौत आगे कहती है कि मैं एजेंट अग्नि से दर्शकों को मिलाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। वे अपने क्रोध और शक्ति से उनके माइंड को उड़ा देगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि कंगना रनौत की ये फिल्म कितना ज्यादा कमाल कर पाती है। क्या वो बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ 200 करोड़ कमा पाएगी? आपके क्या राय कमेंट करके जरूर बताए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।